स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर। स्टूडेंट, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए, फिर आपको पूरी अच्छी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, आगे देखिए। सवाल दिया हुआ है कि 123 प्लस 456 प्लस 678 भागा 7, शेषफल ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए इधर, या तो आप सभी को आपस में इकट्ठा जोड़ करके 7 से भाग दीजिए, और नहीं तो बारी बारी से भाग दीजिए। और शेषफल का सवाल है तो मतलब होना चाहिए हमें सिर्फ शेषफल से, रिमाइंडर से। तो ध्यान दीजिए, आप बारी बारी से ही भाग दीजिएगा। ये प्लस है तो आप इसमें जोड़ लीजिएगा, लेकिन गुना रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा गुना करने में, बड़ा बड़ा वैल्यू रहेगा तो। इसीलिए बारी बारी से भाग देंगे। तो यहाँ 7 से भाग दीजिएगा तो 12 है तो 7 एकम 7 बच जाएगा, यहाँ पे 5, तो ये 53 हो गया। 7 49 और 4 53, यानी कि शेष इसका 4 हुआ, केवल हम शेष लिखेंगे। 7 से भाग दीजिएगा, 7 6 42 बच जाएगा यहाँ पे 3, यानी 36 हो गया यहाँ पे। 7 5 35 तो शेष यहाँ पे बच गया आपका 1। 7 से भाग देंगे, 7 9 63 तो 63 कदम होगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये 48 हो गया। तो 7 6 42 तो जानते हैं कि 48 में से 42 घटेगा तो 6 बचेगा, बटा में 7। इसको आपस में जोड़ सकते हैं क्योंकि ये छोटा वैल्यू है। तो 6 और 1 7 और 4 11 11 में आप 7 से भाग देंगे तो शेष इसका 4 बचेगा, क्योंकि 7 एकम 7 11 में से 7 घटेगा तो 4 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 459 632 875 437, इतना में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा वो हमें निकालना है। तो आप जानते हैं कि क्या करेंगे कि 13 से हम बारी बारी से भाग देंगे, और आपको तब तक भाग देना है जब तक कि ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा ना हो जाए। जैसे ही छोटा हो जाएगा तो आपका शेष कहलाएगा। आइए स्टूडेंट, तो 13 से भाग देंगे इसमें तो 13 3 39, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 6 बच गया। फिर इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे, ये 69 बचेगा 13 से लगाएंगे, तो 13 5 65 65 और 4 69 होता है, तो शेष बच गया आपका 4। गुना है तो गुना कर दीजिए, 13 से भाग लगाएंगे इसमें तो 13 4 होता है 52, तो यहाँ पे 52 घटेगा यहाँ पे, तो बच जाएगा आपका 11। ये 112 हो गया आपका, तो 13 9 होता है 117, तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 8 होता है 104, 13 में 8 से गुना करेंगे तो 104 हो जाएगा, और ये 112 है तो इसका शेष बचेगा 8। गुना कीजिए यहाँ पे, भाग लगाइए 13 से, तो 13 5 65 होता है, 13 6 78 हो जाएगा, 13 6 78 लगेगा यहाँ पे, क्योंकि 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, 78 लगेगा यहाँ पे, तो ये आपका 9 बचेगा 9, और ये 95 हो गया, तो 13 5 65 13 6 78 13 7 91 लगेगा यहाँ पे, तो आपका शेष बचेगा 4, क्योंकि 91 और 4 होता है 95, शेष 4 हुआ। फिर 13 से लगाएंगे यहाँ पे तो 13 3 39, तो 39 तो यहाँ पे 4 बचेगा, और ये 47 हुआ। फिर 13 3 39 ही लगेगा, तो 39 घटेगा 47 में से, तो आपका 8 हो जाएगा शेष। फिर इसमें 13 से भाग लगाएंगे, अब गुना करना है तो आपको सबको गुना कर सकते हैं इकट्ठा, और नहीं तो ऐसे कर लीजिए, 8 6 32 लिख लीजिए, और गुने में 8 6 32 लिख लीजिए, इसको हम एक साथ, इसको एक साथ गुना किए तो 32 गुने 32 हो गया, और बटा में 13। और फिर से भाग लगाइए इसमें, तो जानते हैं कि 13 2 26 हो गया, तो इसका शेष बचेगा 26 हो गया यहाँ पे, तो 26 और 6, इसमें भी वही बात होगा, ये 32 है तो 26 तक लग जाएगा, तो शेष 6 बचेगा, और बटा में 13। यहाँ पे दीजिएगा 6 6 36, तो 36 में हम 13 से भाग लगाएंगे तो 13 2 26, तो 26 तक घट जाएगा, और 36 में से 26 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 बटा 13। अब बताइए क्या ये भाग लगेगा? तो जैसे ही ऊपर में छोट हो गया नीचे वाला से वैल्यू, तो यही आपका शेष कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा आपका 10, और आंसर आपका 10 ही होगा। जैसे ही 13 से ऊपर में कम हो गया वही आपका शेष कहलाएगा। तो स्टूडेंट, ऐसे ही करना है आपको,
ये 13 रहे चाहे कोई भी नंबर है यहाँ पे, इससे तब तक आपको बारी बारी से भाग लगाना है जब तक कि लास्ट में ऊपर में 13 से कम ना हो जाए। जैसे ही कम हो जाएगा नीचे वाला से ऊपर वाला वैल्यू, आपका वो शेष कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आइए स्टूडेंट, ये कुछ सवाल है, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा आपको यहाँ पे, तभी आगे सवाल आप लोग बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो भी बताएं उसको समझ जाएं आप लोग। देखिए सवाल दिया हुआ है 3 के पावर 100 में 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। वैसे ही है यहाँ पे कि 3 के पावर 99 इसमें 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, और इधर है 2 के पावर 100 में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, और 2 के पावर 99 में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कुछ बात को समझिएगा यहाँ पे, जब भी सवाल पावर के रूप में आएगा शेषफल में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बेस में भाग देना है, बेस में मतलब कि इसमें भाग देना है, इससे 3 में भाग दीजिएगा 2 से। तो आप जानते हैं क्या कि 3 में 2 से जब भाग देंगे तो 2 तो कट जाएगा तो शेष 1 बचेगा। 3 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो इसका शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 के पावर 100 और बटा में 2 तब तक लेना है जब तक कि ऊपर में छोट ना हो जाए। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि 1 के पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होगा, और 2 से जब भाग देंगे तो क्या ये भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर में छोटा हो गया नीचे वाला वैल्यू से, इसका मतलब इसका शेष जो है वो 1 ही आंसर होगा। आइए इसको समझते हैं। अभी अभी आपको बताए हैं कि क्या करना है, पहले ये 3 में 2 से भाग देंगे तो 3 में 2 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, यानी 1 के पावर 99 और बटा में 2, और 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा और बटा में 2। अब बताइए ऊपर में नीचे वाला वैल्यू से छोटा हो गया, यानी कि इसका रिमाइंडर जो होगा यानी शेषफल जो होगा वो 1 ही होगा, ऊपर वाला ही शेषफल कहलाता है, यहाँ पे ऊपर वाला ही शेषफल कहलाया। जैसे ही नीचे वाला से ऊपर वाला कम हो गया तो वो आपका शेषफल कहला गया। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको समझते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या देखें कि ये अंश जो है वो हर से 1 ज्यादा था, तो पावर सम था या विषम था, उस समय क्या था कि पावर सम है चाहे विषम है। तो जब ऊपर में ज्यादा रहेगा, 1 ज्यादा रहेगा, ऊपर में जब 1 ज्यादा रहेगा नीचे वाला से, तो पावर सम हो या विषम हो शेषफल हमेशा 1 ही होता है। यहां हम देख लीजिए, पावर हम 100 दिए इसका मतलब सम दिए तो भी शेषफल 1 आया, और पावर हम विषम दिए तो भी शेषफल 1 आया। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जैसे ही ऊपर वाला नीचे वाला से 1 ज्यादा रहेगा, या कह सकते हैं कि अंश जो है से हर से 1 ज्यादा होगा, तो पावर सम हो चाहे विषम हो शेष हमेशा 1 होता है। ठीक है, ऊपर में ज्यादा रहेगा, पावर सम चाहे विषम, शेषफल हमेशा 1 ही होगा। यहाँ पे करके दिखा दिया आप लोग को, यहाँ देखिए ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू से 1 कम है, इसमें कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो भाग लगेगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के स्क्वायर लिखेंगे, इसका मतलब पावर हो जाएगा इसका 50, क्योंकि 50 दूनी होता है 100, 100 को हम 2 × 50 लिख सकते हैं, ऐसा लिख दिया बटा में 3। तो आप जानते हैं कि 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 के पावर हो गया 50 और बटा में 3। तो अब बताइए भाग तो अब लग जाएगा, क्योंकि 4 है और भाग लगाना है 3 से, तो 4 में 3 से भाग लगाएंगे तो शेष तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दिए 1 के पावर 50 और बटा में 3, तो 1 के पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है, तो 1 के पावर 50 यानी 1 और बटा में कितना हुआ ये 3। तो देखिए इधर तो ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू से छोटा हो गया, तो आपका शेष क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, यानी इसका रिमाइंडर जो होगा आंसर जो होगा वो 1 होगा। अब यहां समझिएगा 2 के पावर 99 में 3 से भाग देना है, शेषफल निकालना है आपको, तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ तो भाग लगेगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के पावर 49, क्योंकि होता है 49 × 98, और आप जानते हैं कि 99 को तो पुराना है, तो 2 के पावर 1 से और गुना कर देते हैं, क्योंकि ये हो गया 49 × 98 और यहाँ पे हो गया 1 2, इसका मतलब 99 पुर गया आपका, और बटा में क्या है 3 है, तो 3 से भाग दीजिए। तो आप जानते हैं कि 2 के स्क्वायर हो गया 4 के पावर 49 और गुणे 2 के पावर 1 का मतलब 2 हुआ और बटा में 3। तो आप जानते हैं कि 4 में 3 से भाग लग जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा,
तो यहाँ पे हो गया आपका एक के पावर 49 का मतलब एक ही ना हुआ, और गुना में बताइए क्या दो में तीन से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो भाग नहीं लगता है तो वही शेष कहलाता है उसका। इसका मतलब ये दो के दो जैसे कि तैसे उतर जाएगा और बटा में तीन। अब एक में जब दो से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा दो बटा तीन। तो बताइए आप कि ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू से छोटा हो गया, तो जैसे ही छोटा हो गया तो वही आपका छोटा वैल्यू ही शेषफल कहलाता है। इसका मतलब इसका शेष क्या होगा? रिमाइंडर, रिमाइंडर दो होगा और यही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ से क्या समझे उसको पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपको यही ध्यान देना है कि जब ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू से एक ज़्यादा हो, मतलब कि अंश जो है वो हर से एक ज़्यादा हो, क्या बोल रहे हैं कि अंश जो है वो हर से एक ज़्यादा हो, एक ज़्यादा हो, तो पावर उसका सम हो चाहे विषम हो, शेष हमेशा एक होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं कि जब अंश हर से एक ज़्यादा हो तो पावर सम हो चाहे विषम हो, शेषफल हमेशा एक होगा। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तो जब अंश जो है अंश हर से एक कम हो, इस बार क्या है कि अंश जो है हर से एक कम है, तो पावर सम रहेगा तो शेषफल हमेशा एक आएगा। जब अंश हर से एक कम होगा तो पावर को देखना है कि पावर सम है कि विषम। पावर सम होगा तो शेष जो है वो एक होगा। यदि पावर विषम होगा तो कहिए कि इसका अंश ही शेष होगा, बेस ही शेष होगा, बेस को हम अंश बोल रहे हैं, तो अंश ही शेष होगा। तो अंश इसका कितना है? दो है। तो कहेंगे क्या कि दो ही शेष होगा। आपको क्या ध्यान देना है कि जब ऊपर वाला मतलब अंश और नीचे वाला मतलब हर, तो जब ऊपर वाला नीचे वाला से एक ज़्यादा रहे तो पावर सम हो चाहे विषम हो, शेषफल हमेशा एक होगा। और यदि जब ऊपर वाला नीचे वाला से एक कम हो तो आपको पावर को देखना है कि पावर सम है या विषम। यदि पावर सम होगा तो शेषफल हमेशा एक होगा, और यदि पावर विषम होगा तो बेस ही शेष होगा, बेस का मतलब हो गया अंश ही शेष होगा। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप ये बात को समझ गए होंगे और आगे सवाल इसी टाइप का आएगा उसको आप बनाने में समर्थ भी होंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगला सवाल है 25 के पावर 24 बटा 24 इतना का शेषफल क्या होगा, और 25 के पावर 25 बटा 24 का शेषफल क्या होगा, 24 के पावर 24 बटा 25 का शेषफल क्या होगा, और 24 के पावर 25 बटा 25 का शेषफल क्या होगा। तो जैसा कि अभी अभी हम पढ़े थे पिछला सवाल में, यदि ऊपर वाला मतलब अंश और नीचे वाला मतलब हर, यदि ऊपर वाला नीचे वाला से एक ज़्यादा हो तो पावर सम हो चाहे विषम हो, शेषफल हमेशा एक होता है, और यदि ऊपर वाला नीचे वाला से एक कम हो तो पावर को देखा जाता है कि पावर सम है कि विषम। यदि पावर सम होगा तो शेषफल हमेशा एक आएगा, यदि पावर विषम होगा तो बेस ही शेष होगा, बेस का अर्थ है अंश शेष होगा। आइए स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए ऊपर में एक ज़्यादा है तो पावर सम रहे चाहे विषम रहे, शेष हमेशा क्या होगा? एक होगा, यानी आंसर हो गया इसका एक। ऊपर में एक ज़्यादा है, ऊपर में 25 है नीचे में 24 है, एक ज़्यादा है, पावर कुछ भी रहे सम चाहे विषम, रिमाइंडर इसका क्या होगा? आंसर इसका एक हो जाएगा, शेषफल एक होगा। यहाँ देखिए ऊपर में कम है तो जब कम रहेगा तो आपको देखना है कि पावर सम है कि विषम। तो देखना है यहाँ पे पावर सम है, ऊपर में कम हो और पावर सम हो तो शेषफल हमेशा एक होता है। ऊपर में कम हो और पावर सम हो तो शेषफल हमेशा क्या होता है? एक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। और ऊपर में एक कम हो और पावर विषम हो तो बेसे शेष, बेस का मतलब अंश शेष, यानी इसका आंसर हो जाएगा 24। इसका शेष 24 होगा। ऊपर में कम हो एक, पावर सम हो तो शेष एक होगा, ऊपर में कम हो पावर विषम हो तो बेस ही शेष होगा, बेस का अर्थ हुआ यहाँ पे अंश ही शेष होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल आप लोग बना लीजिएगा, आगे कुछ और सवाल लेके चलते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 9 के पावर 8 प्लस 1 में 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा, और पूछा है क्या कि 7 के पावर 7 प्लस 7 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम पहला सवाल जब पढ़े थे तो बोले थे क्या कि बारी बारी से संख्या में भाग देंगे और जो शेष होगा केवल वही लिखेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि 8 से 9 के पावर 8 में भी भाग लगेगा और 8 से 1 में भी भाग लगेगा, ये दोनों संख्या में बारी बारी से भाग लगेगा 8 से। तो आप जानते हैं कि 8 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो
तो ऊपर वाला एक ज्यादा है, ऊपर में जब एक ज्यादा रहेगा तो पावर सम हो चाहे विषम हो शेष हमेशा एक आता है। तो इसमें भाग लगाए से तो यहाँ पे एक आया, और आप जानते हैं क्या कि जब हम एक में आठ से भाग लगाएंगे तो क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि एक छोटा है बहुत। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो भाग नहीं लगेगा, तो एक का एक लिख लीजिए इसको, बटा में आठ। तो जानते हैं कि एक और एक क्या हुआ, दो, दो बटा आठ। अब बताइए क्या दो में आठ से भाग लगेगा? इसको काटना नहीं, आप एक बटा चार नहीं कर लीजिएगा, आपका आंसर गलती हो जाएगा। आपको यही देखना है कि आठ से कम हो गया ऊपर में, तो इसका जो शेषफल होगा, शेषफल वो कम वाला होगा यानी ऊपर वाला होगा, आंसर इसका क्या हो गया, दो हो जाएगा। जैसे ही ऊपर में कम हो गया आपका शेष हो जाएगा कम वाला वैल्यू। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, सवाल है कि सात के पावर सात प्लस सात में आठ से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले इसमें भाग देंगे, फिर इससे इसमें भाग देंगे, बारी बारी से दोनों वैल्यू में भाग देंगे। तो बताइए ऊपर में एक कम है, पावर यदि सम होता तो शेष एक होता, लेकिन पावर विषम रहेगा तो बेस ही शेष होगा। बेस का मतलब हुआ ये वाला बेस, अंश शेष होता है, तो ये सात के साथ उतर जाएगा यहाँ पे। अब बताइए आठ से भाग देंगे सात में तो क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर में कम है। तो जब कम हो जाता है तो वही शेष कहलाता है, यानी इतना का शेष सात होगा। अब बटा में क्या, आठ। अब बताइए सात और सात चौदह, चौदह में हम क्या करेंगे, आठ से भाग देंगे तो आठ एकम आठ, तो यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर इसका, छः बटा आठ बचेगा। तो बताइए आठ से ऊपर में कम हो गया, तो जैसे ही ऊपर में कम हो गया तो वही आपका शेष कहलाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा छः, रिमाइंडर बराबर हो गया छः, और यही आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि ऐसा सवाल आप लोग जरूर बना दीजिएगा। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं आगे। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, तीन के पावर इक्कीस में पाँच से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, और दो के पावर तैंतीस में दस से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आइए स्टूडेंट समझिएगा, बिल्कुल वैसे ही काम करना है। आप जानते हैं कि अगर इसमें एक का अंतर होता ना, ऊपर नीचे में एक का फर्क होता, तो हम वो वाला कंडीशन, पिछला कंडीशन अप्लाई करते कि पावर सम है कि विषम है, या फिर ऊपर वाला ज़्यादा है कि कम है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ तो अंतर तो दो का है और यहाँ पे अंतर आठ का है, तो कैसे करना है, कोशिश करना है कि ऐसा मान ला दें हम वहाँ पे कि अंतर एक का हो जाए, और जैसे ही अंतर एक का हो जाएगा फिर तो पूरा कंडीशन हम लोग जानते हैं कैसे बनाना है उसको। तो क्या कीजिए यहाँ पे, आप जान रहे हैं कि यहाँ पे अगर तीन का स्क्वायर कर देंगे, मतलब सोचिए इधर पाँच से भाग देना है, भाग लगाना है, तो पावर कम से कम कितना रख दें कि भाग लग जाए, तो कहेंगे कि पावर दो रख दें, क्योंकि तीन के स्क्वायर हो जाएगा नौ, और नौ जो है वो पाँच से भाग लगेगा, तभी तो कुछ शेष बचेगा ना उसका। तो क्या करेंगे हम, तो तीन के पावर दो कर दिए और पावर दस कर दिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दस दूनी बीस, और यहाँ पे तीन इक्कीस को है, तो एक तीन से और गुना कर दीजिए ताकि ये इक्कीस को पुर जाए, दस दूनी बीस और एक इक्कीस, और बटा में कितना हुआ पाँच। तो ध्यान दीजिएगा, तो तीन के स्क्वायर हो गया आपका नौ, नौ के पावर हुआ दस, बटा में पाँच, सॉरी गुना में तीन और बटा में पाँच है, पूरे के बटा में पाँच है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तो 9 में 5 से भाग लग जाएगा, तो शेष कितना बचेगा इसका, 4 बचेगा, तो शेष इसका बचेगा 4 के पावर 10, और गुना में बताइए 3 में 5 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो शेष 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 और बटा में कितना 5। और आप जानते हैं कि जैसे ही ऊपर और नीचे में एक का फर्क हो जाए और ऊपर वाला एक कम रहेगा, तो आपको पावर को देखना है कि पावर सम है कि विषम। तो बताइए पावर तो इसका 10 है, तो 10 तो सम है, तो पावर सम होगा तो शेषफल हमेशा एक होता है। तो क्या कीजिए यहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं, इसका शेषफल होगा एक, एक के पावर 10 कहिए और गुना में 3 कहिए, आप जानते हैं कि एक के पावर कुछ भी होता है तो एक ही तो होता है, बटा में 5, तो एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 बटा 5, और आप जानते हैं कि जैसे ही ऊपर में नीचे वाला वैल्यू शेष कम हो जाए वही आपका शेषफल कहलाता है, यानी कि इसका शेष जो हो जाएगा वो 3 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किए स्टूडेंट, अब जानते हैं कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो सोचे कि कम से कम पावर 3 का कितना रख देंगे जो 5 से भाग लगेगा, तो हम पावर 2 रख दिए ताकि ये 9 हो गया, और 9 में 5 से भाग लगेगा तो ये 4 हो जाएगा शेष इसका, पावर 10 है तो 10 कर दिए यहाँ पे। और आप जानते हैं कि जब ऊपर में एक कम हो और पावर सम हो तो शेष पर हमेशा एक होता है, और 5 में भाग लगाएंगे
पाँच से भाग लगाएंगे तीन में तो भाग नहीं लगेगा, तो तीन का तीन उतर जाएगा, यानी एक में तीन से गुना करेंगे तो तीन और बटा में पाँच, तो ऊपर में कम हो गया नीचे वाला वैल्यू से, वही आपका शेषफल कहलाएगा। अब इसको समझिएगा आप लोग, यहाँ पे सवाल दिया है 2 के पावर 33 में 10 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो बताइए कि 2 के पावर हम कितना रख दें कम से कम जो 10 से भाग लगे, तो आप रखिएगा 2 के पावर 2 रखिएगा तो 4 होगा, तो बहुत का फर्क है, भाग लगेगा नहीं। फिर 3 रखिएगा तो 8 होगा, कम से कम 4 रखना पड़ेगा आपको, तो पावर 4 रखेंगे तो कंप्लीट के पावर हो जाएगा 8, क्योंकि 8 जब होता है 32 और एक दूसरे और गुना कर देंगे तो ये 33 को 2 पुर जाएगा आपका, बटा कितना 10। आप जानते हैं कि 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16, 16 के पावर 8 गुने 2 बटा में कितना हुआ 10। अब इसमें भाग लगाएंगे तो शेष तो 6 बचेगा इसका, 10 से कम 10 शेष क्या बचेगा इसका 6 बचेगा, यहाँ कर लेते हैं शेष बचेगा 6 के पावर 8 और गुना में कितना 2 और बटा में कितना 10। फिर हम जानते हैं कि ये तो फिर भाग नहीं लगेगा, तो फिर से क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कीजिए, पावर 4 हो जाएगा इस बार, क्योंकि 8 है पहले से, तो 4 दूनी 8 और गुना में 2 बटा में कितना 10। तो आप जान रहे हैं कि 6 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 36 के पावर 4 गुने 2 और बटा में कितना होगा यहाँ पे 10। तो जान रहे हैं कि फिर से भाग लगाएंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे शेष। तो एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 6 के पावर 1 रहेगा, इसमें आप 10 से भाग दीजिएगा ना, तो शेषफल जो है से 6 ही आएगा इसका, क्योंकि ऊपर में कम है तो शेष 6 हो गया। 6 के पावर 2 में यदि आप 10 से भाग दीजिएगा तो आप जानते हैं कि 6 के स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, और 36 में 10 से भाग देंगे तो 30 तक कट जाएगा और शेष क्या बचेगा 6 बचेगा, यानी कि 6 ही बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा तो 6 बचेगा। 6 के पावर 3 में यदि आप 10 से भाग दीजिएगा तो शेष इसका क्या बचेगा 6 बचेगा। मतलब सिंपल सी बात कह सकते हैं इसमें कि 6 के पावर कुछ हो, कुछ हो मतलब कि कुछ भी हो, मतलब 6 के पावर n हो, मान लीजिए n हो, इसमें यदि हमको 10 से भाग देना है तो आपका रिमाइंडर क्या होगा हमेशा 6 ही आएगा। तो आपको इस सवाल को इतना बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे कर देते हैं कि 6 के पावर यदि कुछ भी हो तो 6 के पावर 8 हो, 6 के पावर कुछ भी हो तो इसका शेष क्या होता है 6 ही होता है, यहाँ पे हम करके दिखा दिया आप लोग को, और गुना में कितना 2 और बटा में कितना 10। आप जानते हैं कि 6 दूनी 12, 12 में हम 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा इसका 2 बचेगा, क्योंकि 2 बटा 10 का मतलब शेषफल 2 ही होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंडीशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको यही ध्यान देना है कि 6 के पावर कुछ भी हो, 6 के पावर 1 हो, 10 से भाग देंगे तो शेषफल 6 बचेगा, 2 रहेगा तो भी 10 से भाग देंगे तो शेषफल 6 ही आएगा, मतलब 6 के पावर कुछ भी रखिएगा ना, 10 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा 6 के 6 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया हो कैसे कैसे इसको बनाना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, जैसा कि सवाल आप लोग बना लीजिएगा, 397 के पावर 3589 प्लस 5 में भाग देना 398 से तो शेष क्या होगा, ये सवाल आप लोग से बन जाएगा। करना क्या है इसमें, आपको देखना है कि यहाँ पे देखिएगा कि 397 और 398 में अंतर 1 का है, तो जब अंतर 1 का होता है तो आपको देखना होता है कि ऊपर में यदि कम रहेगा तो पावर सम रहेगा तो शेष 1 होता है, और विषम रहेगा तो शेष बेस ही होता है, और इसमें 5 जोड़ करके भाग दे लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा बना के देख लीजिएगा। आइए स्टूडेंट इस सवाल को देखिएगा, दिया हुआ है क्या कि 5 के पावर 501 में भाग देना है 126 से। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपको ये समझना होगा कि ऐसा 5 का पावर कितना रख दे जो 126 से या तो 1 बड़ा हो जाए या फिर 1 छोटा हो जाए, क्योंकि 1 का अंतर होगा तभी दोनों कंडीशन लागू होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन लागू हो जाएगा और आप उसका कंडीशन का मान जानते हैं कैसे लागू करना है। तो क्या कीजिए इसको 5 का क्यूब कर दीजिए, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, और देखिए इधर तो इसमें हम 3 से भाग देंगे तो 167 हो जाएगा, 167 TI होता है 501 करके देख लीजिएगा, और बटा में हो जाएगा आपका 126। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 5 के क्यूब 125 के पावर 167 और बटा में 126। तो आप जानते हैं कि जब ऊपर में एक कम हो
यदि पावर सम रहेगा तो शेष एक होगा, और पावर विषम होगा तो बेस ही शेष होगा। बेस का अर्थ होता है अंश शेष होगा। तो बताइए आप यहाँ पे कि पावर सम है कि विषम है। तो 167 जो है वो विषम संख्या है, तो पावर विषम होगा तो शेष क्या होगा, 125 हो जाएगा, यानी कि बेस ही शेष होगा, और यही आपका आंसर हुआ। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, बहुत बार ये सब सवाल पूछा गया है, समझिएगा सवाल को कैसे बनाना है। सवाल दिया हुआ है 67 के पावर 67+67 में 68 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो आप कहेंगे क्या, देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही सवाल है, 13 के पावर 13+13/14 का शेष क्या होगा। दिया हुआ है कि 35 के पावर 35+35 में 36 से भाग देने पर शेष क्या होगा, 21 के पावर 21+21 में 22 से भाग देने पर शेष क्या होगा। जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए आपको, तो इसका जो शेष होगा डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, इसका शेष 66 होगा, यही हमारा आंसर होगा 66। ये 13 के पावर 13+13 में 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो कहेंगे रिमाइंडर इसका 12 होगा, यही हमारा आंसर होगा। 35 के पावर 35+35 में 36 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, तो कहेंगे रिमाइंडर इसका 34 होगा, मतलब ये अंश से एक कम होगा इसका आंसर। उसी प्रकार से 21 के पावर 21+21 में 22 से भाग देने पर शेष कितना होगा, तो कहेंगे कि इसका रिमाइंडर जो है वो 20 होगा, अंश 21 है तो ये रिमाइंडर 20 होगा। आइए स्टूडेंट एक सवाल को समझते हैं कि ये कैसे 66 आ गया, कैसे 12 आ गया है, ये वो देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसमें 68 से भाग देना है। आप जानते हैं कि 68 से इसमें भी भाग लगेगा और 68 से इसमें भी भाग लगेगा। तो आप जानते हैं क्या कि ऊपर में एक कम है और पावर विषम है, तो शेष जो है वो बेस ही होगा, तो शेष यहाँ पे 67 ही हो गया, और प्लस में 67 में 68 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो शेष 67 के 67 ही उधर जाएगा, इसमें 68 से भाग देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसको यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 14 के 4 हासिल 1 6 6 12 और 1 13, यानी कि 134 में 68 से भाग देंगे तो 134 में 68 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो है से 66 बचेगा, क्योंकि 68 एकम 68 शेष बच जाएगा 66 और बटा में 68। तो बताइए ऊपर में कम हो गया नीचे वाला वैल्यू से, तो आपका इसीलिए इसका आंसर जो है रिमाइंडर 66 बचा, इसीलिए हम डायरेक्ट इसका लिख रहे थे 66। उसी प्रकार से इसको देखिएगा आप, तो क्या कहेंगे कि 13 के पावर 13+13 में 14 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 12। कैसे 12 होगा, तो आप जानते हैं कि 13 में 14 से भाग लगाएंगे तो जानते हैं कि ऊपर वाला जो है से नीचे वाला से एक कम है, तो जब कम होता है तो पावर को देखते हैं कि पावर सम है कि विषम है, तो पावर जब विषम होता है तो बेस ही शेष होता है, तो बेस का अर्थ हो गया इसका अंश शेष। और यहाँ देखिए 13 में 14 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या आएगा, 13 आएगा, क्योंकि भाग तो लगेगा नहीं, तो जब भाग नहीं लगेगा तो 13 के 13 उतर जाएगा, और बटा में कितना हुआ 14। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 13 13 26, तो 26 में हम 14 से भाग देंगे तो यहाँ पे 14 एकम 14 बच जाएगा 12, क्योंकि 14 और 12 26 होता है, तो 12 बटा 14। अब बताइए क्या ये भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर में छोट हो गया, तो जैसे ही ऊपर में छोट हो गया तो शेष इसका क्या होगा 12 ही होगा। ऐसे ही सब सवाल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ऐसे ही ध्यान रखना है कि 67 के पावर 67+67/68 रहेगा तो आंसर 66। उसी प्रकार से 13 के पावर 13+13/14 रहेगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 12 हो जाएगा। 35 के पावर 35+35/36 तो रिमाइंडर इसका 34 हो जाएगा। 21 के पावर 21+21/22 इसका रिमाइंडर 20 हो जाएगा। इसको आप बना के देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट एक सवाल और लेते हैं हम। आइए स्टूडेंट 1 2 3 ये 3 सवाल आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे एक सवाल हम बताते हैं कैसे बनेगा, हालांकि इसको भी आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सवाल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बच्चा गलती करके आता है इसको। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि 39 के पावर 93/40 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहां देखिएगा, इधर 39 के पावर 93/40 का मान आप जानते हैं कि 93/40 का वैल्यू होता है 1×2×3×4×5×……… इस तरह से 93 तक जाइएगा तब ये 93/40 का मान होगा, और इसमें भाग देना है 40 से। बात को समझिएगा स्टूडेंट, तो 39 के पावर हो जाएगा यहाँ पे, इसको पहले हम काउंट करके देखते हैं, तो ये 1×2 2×3 6
6 चौक 24, 24 पाँच 120, तो जैसे 120 आ गया, 120 छका, देखिए 120 आ गया यहाँ पे, मतलब अंतिम में जीरो आ गया यहाँ पे, तो 120 में फिर 6 से गुना कीजिएगा तो फिर लास्ट में जीरो आएगा, तो वो 720 कहलाएगा, यहाँ पे 720 हो जाएगा, फिर 720 में फिर 7 से गुना कीजिएगा, लास्ट में जीरो आएगा ही। तो जीरो का मतलब होता है लास्ट में कोई भी नंबर के आगे लास्ट में इकाई स्थान पे जीरो हो जाए, मान लीजिए किसे 5, 2, 3, 0 लग जाए यहाँ पे, तो ये सम संख्या कहलाता है। जब इकाई अंक पे जीरो आ जाएगा तो समझना है आपको कि वो सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 39 के पावर इवन नंबर, ये इवन नंबर हो गया और बटा में क्या हुआ 40 हुआ। तो जैसा कि आपको बताए हुए हैं कि जब ऊपर में और नीचे में एक का फर्क हो और ऊपर वाला नीचे वाला से एक कम हो और पावर सम हो, सम का मतलब इवन हो, तो शेषफल हमेशा क्या होता है एक होता है, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा आपका एक और यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्जॉय किए होंगे आप लोग, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 था।